पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान नेता और इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में पूनम पंडित ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी की ओर से महिलाओं के लिए दिए गए नारे से अपने संबोधन की शुरुआत की। पूनम ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूनम पंडित ने कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए बीजेपी से अपनी लड़ाई बताई। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई बीजेपी और बेटियों के बीच होगी। पूनम पंडित को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जुझारू पूनम पंडित का कांग्रेस में स्वागत है। वो लंबे वक्त से किसानों के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज कांग्रेस में उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूनम किसानों के साथ मिलकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो पार्टी की सदस्य बन गई हैं, तो इस लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूनम पंडित पार्टी की नीतियों को और मजबूत करेंगी और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। वहीं संबोधन के दौरान पूनम पंडित ने भी किसानों के हर मुद्दे को यूं ही निष्पक्ष तरीके से उठाने का दावा किया।